पूर्व सांसद और बांग्ला गायक कबीर सुमन ने किस ऑफ लव मुहिम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि प्यार चाहे जिस रूप में फैलाया जाए वह इसका समर्थन करते रहेंगे। आज की पीढ़ी साहस के साथ अपने प्यार का प्रदर्शन कर रही है। उल्लेखनीय है कि नैतिकता का पाठ पढ़ाने वालों के विरोध में और महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के लिए कोच्चि के बाद अब केरल के दो विश्वविद्यालयों के छात्रों ने किस ऑफ लव का आयोजन किया। केरल में शुरू हुई इस मुहिम के प्रति एकजुटता दिखाते हुए यादवपुर में एक विरोध रैली में कार्यकर्ताओं ने धार्मिक कट्टरपंथ और हर धर्मिता के बढ़ने का आरोप लगाया। प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के छात्र हाथों में तख्तियां लिए हुए कॉलेज स्ट्रीट के इंडियन कॉफी हाउस के सामने एकत्रित हुए। यादवपुर विश्वविद्यालय के मौजूदा और पूर्व छात्रों तथा कुछ बाहरी लोगों सहित 300 से ज्यादा कार्यकर्ता बुधवार की दोपहर यादवपुर पुलिस थाने की ओर गए। वहां जाकर वे गले मिले और उन्होंने चुम्बन लिया और अमार शरीर अमार मौन बोधे होक राज शासन, यानी यह मेरा शरीर है और यह मेरा दिमाग है, मैं मोरल पुलिसिंग की अनुमति नहीं दूंगा, जैसे नारे लगाए। अपनी दोस्त सुचित्रा का चुम्बन लेने वाले पीएचडी के छात्र सायंतनी ने कहा कि अपनी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी के दमन के खिलाफ विरोध करने का समय आ गया है। मैं आज़ादी चाहता हूँ कि किसे और कहाँ चूम लूँ, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। चुम्बन विरोध का सर्वोत्तम तरीका है। नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के लिए अक्षय की रिपोर्ट।